रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिंपलिसिटी इन एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हमने चूज़ किया जो टॉपिक वो है कैलकुलस इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1। और मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में हम जो है इंटीग्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, मतलब हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वो है इंटीग्रेशन। चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डिफरेंशियल एंटी डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, अगर आपको डेरिवेशन या डिफरेंशियल्स करने आते हैं तो इंटीग्रेशन आपके लिए करना कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए कुछ रूल्स फार्मूलास आपको करने होंगे, जिसको करने के बाद आप इजीली इंटीग्रेशन का चैप्टर सॉल्व आउट कर सकते हो। कुछ बेसिक फार्मूलास हैं जो कि आपको यूज़ करने होंगे इन एक्सरसाइजेस में 3.1 से लेके 3.8 तक, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये वाले फार्मूलाज ऑपोजिट टू डिफरेंशियल फार्मूलाज हैं। ये वाला पेज जो है आपकी बुक पे गिवन होगा, ठीक है। एसएम यूसुफ की जो किताब है मैं उससे रेफरेंस देकर करवा रही हूँ, लेकिन इंटीग्रेशन सेम ही होती है हर स्टूडेंट्स के लिए, सब के लिए, ठीक है। तो ये वाले फार्मूलाज थोड़े से आप रिवाइज कर लें, और इनको याद करने का तरीका ये होता है कि आप किसी चार्ट वगैरह पे, किसी पेपर पे लिख लिया करें और इसको ऐसे ही जगह पे अटैच किया करें जो आपके बेडरूम के करीब हो, के मतलब जब आप बेड पे जाएं तो ये देख लें फार्मूलाज के, रिवाइज होते रहें। ये ऐसे फार्मूलाज है कि रोज़ इनकी याद दहानी होगी, रिवीजन होगी, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो ये वाले फार्मूलाज और कुछ इंटीग्रेशन के रूल्स जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। स्टूडेंट्स, आज जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो है 3.1। तो 3.1 बेसिकली आपको इसलिए करवाई जा रही है कि ताकि आपको डिफरेंशियल की जो रिवीजन है वो हो जाए, कि अगर आपको चैप्टर 2 डिफरेंशियल में कोई मसला है तो वो वाला मसला आपका क्लियर हो जाए। आप 3.1 को जब करो डिफरेंशियल लेने के लिए, डेल ऑफ वाई लो, डी ऑफ वाई लो, तो आप इजीली कैपेबल हो कि 3.1 हम कर चुके हैं। तो 3.2 से असल इंटीग्रेशन का वर्कआउट स्टार्ट होगा, जो कि मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक में मौजूद है वो भी, तो उसमें के रूल में मैं आपको बता दूंगी। तो अब हम 3.1 करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। और आपको बेसिक रूल्स ऐसे समझाऊंगी कि आपको ये कभी भूलेंगे नहीं और आपको जस्ट रिवाइज करने होंगे। लेट्स स्टार्ट। वन का क्वेश्चन नंबर वन करने के लिए जो चीज़ें आपको करनी हैं उसमें ये दो फार्मूलाज हर क्वेश्चन में, क्वेश्चन वन के हर पार्ट में यूजफुल होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी लिखा है वाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको पता होना चाहिए ये रूल, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फार्मूला है एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल डेल वाई। और आपको ये नॉलेज भी हो कि डेल ऑफ एक्स और एक्स अप्रोक्सीमेटली डी ऑफ एक्स इक्वल हैं। समटाइम्स हम डी ऑफ एक्स को डेल ऑफ एक्स के अप्रोक्सीमेट कहते हैं, और सम ऑफ टाइम डी ऑफ वाई और डेल ऑफ वाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने दो पार्ट्स लाजमन करने होंगे, और डेल ऑफ वाई और डी ऑफ वाई को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अपने क्वेश्चन को स्टेप वाइज करेंगे तो आप इजीली मैनिपुलेट भी कर सकते हैं इसको कि कैसे हमने करना है। तो पहला स्टेप है हमारा कि हम बोथ साइड पे डिफरेंशियल लेने लगे हैं, ठीक है, डी बाय डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डेरिवेट करना है, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करने का मतलब है कि वाई इसमें वेरिएबल होगा और वन कॉन्स्टेंट होगा, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू हैं वो जीरो हो जाएंगी, और जो वाई है वो डी वाई बाई डी एक्स कंसिडर होगा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू ऑफ एक्स विद द रूल ऑफ पावर रूल। ये रूल मैंने लगाया है एन एक्स एन माइनस वन का, तो मेरी पास वैल्यूज क्या आ गई, टू ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, टू ऑफ एक्स के इक्वल। कि इक्वेशन वन जो है ना मेरे पास आ गई है एफ ऑफ एक्स टू एक्स के इक्वल है, लेकिन मैंने अभी डी ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में जैसे कि आप ये क्वेश्चन देखें डी ऑफ वाई को लेना है और डेल ऑफ वाई को लेना है। तो इसके लिए मैंने वर्कआउट अब क्या करना है, वेरी सिंपल, डी ऑफ एक्स को रिप्लेस करूँगी और इसको मूव करूँगी यहाँ पे, जब वो यहाँ पर आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ जस्ट आपने पुटिंग करनी है एक्स की और डी ऑफ एक्स की वैल्यूज की, आपके पास डी ऑफ वाई आ गया है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अब हम सॉल्व कर चुके हैं और बहुत इजी
ली हमने कर ली है। और अभी मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रही हूँ 3.1 का, तो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको प्रोवाइड करेगी क्वेश्चन नंबर 2, एंड देन मेरी थर्ड वीडियो प्रोवाइड करेगी क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रहता है जिसको हमने सॉल्व करना है। तो एफ ऑफ एक्स, तो स्टूडेंट्स हम निकाल चुके हैं यहाँ इस इक्वेशन से, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, ये तो हम निकाल चुके हैं। अब एफ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ एक्स होगा उसके साथ हम डेल ऑफ एक्स का एडिशन कर देंगे कि जो वैल्यू एक्स होगी इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स में उसको एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स करेंगे। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, ये वाला तरीका होगा इस तरह से आप करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स मैंने कर लिया। तो अब जो है आपने जस्ट पुटिंग करनी है यहाँ पे आएगा 2x प्लस डेल एक्स माइनस 2x इक्वल डेल वाई। नेक्स्ट स्टेप 2x प्लस 2 डेल एक्स माइनस 2x इक्वल डेल वाई। तो 2 और 2 कट जाएगा, 2 डेल एक्स जो है ना हमारा डेल वाई है, और डेल एक्स की वैल्यू हमने जस्ट पुट कर दी अगर गिवन है, अगर गिवन नहीं है तो ये हमारा सॉल्यूशन यहीं तक होगा। होप सो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको इजीली समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो बेस करेगी क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो भी समझने वाला है और थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मैथ पे जब इंटीग्रेशन करें और डेरिवेशन करें तो ट्रिक्स को गेन कर लें। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 इंटीग्रेशन, जो कि एंटी डिफरेंशियल भी होता है या डेरिवेटिव भी, और कैलकुलस है ये सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का जो सोल्यूशन आपने देखने के लिए जो है आप मेरे चैनल पर दोबारा आएँ, और उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब, और मेरी वीडियोज़ को आप देखा करें, जनरल नॉलेज बेस्ड वीडियोज़ भी होती हैं। इसके अलावा फिज़िक्स लेक्चर्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर एंड बायोलॉजी के और साइंस रिलेटेड तो बहुत सारे एनिमेशनल वीडियोस भी हैं, तो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।